अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कबाब एंड बिरयानी कुजीन। आप सब ने मेरे डे वन के कैंपिंग व्लॉग को बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया, सो स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल। एक नई खूबसूरत और हसीन तरीन सुबह के साथ मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए डे टू का कैंपिंग व्लॉग। तो तैयार हो जाएं एक फुली लोडेड और धमाकेदार सा दिन गुजारने के लिए हमारे साथ। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे खुनकी सी महसूस हो रही है और सूरज तुलू होने को है। ये देखें, सूरज की हल्की हल्की सी किरणें दरख्तों पे पड़ना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सामने हमें कैंगरूज और वॉलाबी की फैमिली ने वेलकम किया है। मैं आपको एक क्लोज लुक दिखाती हूँ। और कैंगरूज देखते देखते सूरज अपनी आबोताब से चमकना शुरू हो गया है। मैंने जैसे पहले आपको दिखाया था यहाँ पे फॉग सी थी, लेकिन सूरज के आते साथ ही सारी फॉग गायब हो गई है और एक हसीन तरीन सुबह जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। आप कलर्स चेक करें, ब्लू, ग्रीन और येलो, अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और हमने सोचा कि इस खूबसूरत लैंडस्केप को एंजॉय करते हुए यहाँ पे हम नाश्ता बनाएं। और ये सामने जो आपको टेबल और चेयर्स नज़र आ रही हैं, टेबल के ऊपर ये बन रही है गर्मा गर्म चाय। अब चाय को रखते हैं दम पे और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी नाश्ते की तैयारी में क्या बन रहा है। यहाँ सब मिलके आलू कट कर रहे हैं क्योंकि नाश्ते के लिए बनने लगे हैं जीरे वाले आलू। और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑयल में हमने 2 हरी मिर्चें डाली हैं, साथ में सारे जो आलू कट किए थे वो ऐड कर देंगे। अब आलू को हल्का सा फ्राई करके इसके अंदर ऐड करेंगे सारे मसाले। मसालों में ऐड किया है हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और साथ में इसमें जा रहा है जीरा और धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और 5-10 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। तो मज़ेदार से आलू तैयार हैं, इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे हरे धनिया के साथ। और अब बन रहा है ऑमलेट। ज़्यादा सारे अंडे लेके हमने उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया कट करके ऐड किया है, साथ में नमक और लाल मिर्च। और आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हमने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर पकाया है, बल्कि हमने फ्राइंग पैन में इस तरीके से फ्राई किया है। और ये ऑमलेट जैसे जैसे तैयार हो रहा है तो हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और साथ में और फ्राइंग भी चलती जा रही है। और हमने बनाई नाश्ते में गरम गरम पूरियाँ। ये वाले वाइट टॉर्टिला रैप्स लिए थे और इनको हम करने लगे हैं ऑयल में फ्राई, और इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल पूरियों की तरह आता है। फुल देसी नाश्ते की हम तैयारी करके लेकर आए हैं और इस वक्त मेन्यू में चने और हलवा भी मौजूद है जो कि गरम होके टेबल पे जा चुका है। और बस नाश्ता तैयार है, यहाँ पे चाय जो है वो कप्स में निकल चुकी है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने नाश्ते की टेबल। ओए होए, धुएं उठ रहे हैं। ये है जनाब ऑमलेट, जीरे वाले मजेदार से आलू, और ये है जबरदस्त सा सूजी का हलवा, और साथ में है इसके अंदर
लाहौरी चने, यम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरियां एंड पराठे। एक खूबसूरत सुबह के साथ हमने इस नाश्ते को खूब इंजॉय किया, और अब आता है इस नाश्ते को हजम करने का टाइम। तो मैं आपको वॉक के लिए लेकर चलती हूँ, और साथ में हम देखते हैं रिवर। ये देखें, ये जो कल मैंने आपको जगह दिखाई थी, ये वही सिटिंग एरिया है। यहाँ पे स्टोव लगा हुआ है, बेंचेस लगे हुए हैं, आप यहाँ पे भी बैठ के रिवर के किनारे जो है वो खा पी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अब अरहम हमें लेकर जा रहा है रिवर पे, और अरहम को रास्ता भी पता है कि कहाँ से हमने नीचे जाना है। ये नीचे जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं, और चेक करें रिवर का फराटे मारता हुआ ठंडा ठंडा पानी। और इरादा हमारा ये है कि जब दोपहर को बहुत शदीद गर्मी हो जाएगी तो हम जो हैं वो गर्मी को ख़त्म करेंगे यहाँ पे रिवर में बैठ के, और बच्चे यहाँ पे स्विम कर लेंगे या खेल लेंगे पानी में। अब हम जा रहे हैं लेक मरून। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव है इस लेक तक की, तो आइए चलते हैं। बहुत खूबसूरत ब्राइट सनी शाइनी सा वेदर है। लुक एट द ब्लू स्काई, द माउंटेन्स, ग्रीनरी, ब्यूटिफुल। जबरदस्त लैंडस्केप्स और सीनिक ड्राइव है। और अब हम लेक मरून पहुंच चुके हैं। और अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह नजर आती है। आप देखें कितना खूबसूरत ये व्यू है। और बेसिकली ये वाटर स्कीइंग लेक है। यहाँ पे लोग अपनी जेट स्की अपनी कार के साथ अटैच करके लेकर आए हुए हैं, सब लोग वाटर स्कीइंग कर रहे हैं। और जनाब हम वापस आ चुके हैं अपने कैंप में, और आते ही बच्चे जो हैं वो पानी के अंदर चले गए हैं। और तकरीबन पूरी दोपहर ही बच्चे इसी तरह पानी में खेलते कूदते और मस्तियां करते रहे। पानी से निकलने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब भूख लग गई है, तो चलें चलते हैं शाम की चाय की तरफ। कैंपिंग नामुकम्मल है चाय के बिना। तो यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय, और इसके साथ हमने क्या क्या खाया, ये हैं जनाब चिकन सैंडविचेस, गार्लिक ब्रेड, और यहाँ फ्राई हो रहे हैं गर्मा गर्म समोसे। यहाँ की शाम भी बहुत खूबसूरत है, और आपको इस तरह के नज़ारे देख के बहुत ही फ्रेश फीलिंग आती है।
और इस खूबसूरती को बहुत ही हसीन तरीके से कैप्चर किया है मेरी एक फ्रेंड ने। टू गुड, वाओ, अमेजिंग। और अब आता है कैंपिंग का बेस्ट पार्ट, बारबेक्यू। ये लाइन से ग्रिल्स लगी हुई हैं और ये फर्स्ट ग्रिल में बन रहा है सीख कबाब। और ये वाली ग्रिल शायद अभी गर्म हो रही है। ये पीछे वाली ग्रिल पे बन रहे हैं चिकन विंग्स और बोनलेस चिकन टिक्का। और साथ में यहाँ पे ग्रिल हो रही हैं मटन चॉप्स। तो आ रहा है ना मुंह में पानी और दिल भी कर रहा है कि कैंपिंग पे आप भी इसी तरह जाएं और मज़े करें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कल की तरह आज भी हमने किया रात को बॉनफायर और बच्चों ने ग्रिल किए मार्शमेलोज और खूब गपशप लगाई और इंजॉय किया। और अगर आप सब ने भी इस व्लॉग को हमारे साथ एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दें और मेरे चैनल कबाब एंड बिरयानी कुजीन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।